हम भाग के ब्याह किए थे, आपको पता होगा 2356 जो दरवाजे की बहाली आ रही है उसमें खुट्टा गाड़ देंगे। तुमको पसंद वही बात करेंगे। हिम्मत आने का एकमात्र कारण मेरे बजरंग बली है, और दूसरा कोई कारण है तो मेरी पत्नी है, और तीसरा कारण तो मेरी पत्नी है, चौथा कोई कारण तो मेरी पत्नी का डर है, और पांचवा कोई कारण तो पत्नी का डर। तो भी पढ़ो एकदम, नहीं तो नौकरी के बाद दे देना, एकदम नहीं देना चाहते तो लेके भाग जाना, लेकिन पढ़ के भी कर। सर जो आपने बोले है पत्नी का डर है, तो मतलब इसमें क्या है सर? तो मतलब कौन सा हनुमान है? और आप सुने हैं कि हनुमान जी के बहुत बड़का भक्त है, इसमें क्या रहा? नमस्कार, अभी हम पटना के गुरु रहमान सर के कोचिंग में पहुंच चुके हैं। हालांकि आप सभी को चेहरे की पहचान का मोहताज नहीं है, तो हम लोग का बताना यह फर्ज बनता है, क्योंकि ये सर जो है पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे पहले सर का प्रणाम मोहताज। सबसे पहले सर ये बताइए कि जो गुरु रहमान, मतलब रहमान के पहले गुरु लगाना, ये मतलब सर कहाँ से है? इसके बाद मैं डॉक्टरेट हूँ और मेरे नाम के साथ डॉक्टर एम रहमान लगा हुआ है, लेकिन 2007 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में आपको स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे महामहिम थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम आया 2007 में, मुझे गुरु की उपाधि मिली। तो मुझे लगा कि जो डॉक्टरेट है वो तो एक यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो गुरु की उपाधि दी गई है वो एक विचारधारा के द्वारा दिया गया है, भारतीय के द्वारा दिया गया है। तो उसी 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में परिवर्तित हो गया। सर रहमान है, और आप सुने हैं कि हनुमान जी के बहुत बड़का भक्त है, इसमें क्या राज है? अगर जो आदमी हिंदुस्तान में क्या पूरे ब्रह्मांड में रहता है अगर हनुमान जी का भक्त नहीं है तो निश्चित रूप से वो अधूरा है, क्योंकि भगवान बजरंग बली अजर है, अमर है, और जिस व्यक्ति में बजरंग बली का अंश नहीं है वो व्यक्ति अधूरा है। मैं रहमान क्या, मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को बजरंग बली को अपनाना चाहिए, क्योंकि बजरंग बली हर संकट के मोचक हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज मंगलवार है, बजरंग बली का सुंदरकांड भी हो रहा है, कि 2356 जो दरवा की बहाली आ रही है उसमें खुट्टा गाड़ देंगे। और सर अपना पूरा जोर जोर लगा दिया है इस बच्चों के बीच में, और हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है इस मतलब कोचिंग में टॉप किए थे, और वहाँ पे मेडल भी। घुमा दीजिए कैमरा, घुमा दीजिए पीछे देख लीजिएगा, यहीं पे वो लोग हुए, वही लड़के हैं जो कि आज से कुछ दिन पहले रात का रात और दिन का दिन नहीं बुझे, आज एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे मौजूद है, और सर कह रहे हैं कि यह खुट्टा गाड़ देंगे। सर इसका मतलब ये इतना हिम्मत आता कहाँ से? सर इतना हिम्मत आने का एकमात्र कारण मेरे बजरंग बली है, और दूसरा कोई कारण है मेरी पत्नी है, और तीसरा कारण तो मेरी पत्नी है, चौथा कोई कारण तो मेरी पत्नी का डर है, और पांचवा कोई कारण तो पत्नी का डांट है, और छठा कोई कारण तो हमारा और मुन्ना भाई और तमाम शिक्षकों का सहयोग है। सर जो आपने बोले है पत्नी का डर है, तो मतलब इसमें क्या है सर? कौन मतलब कौन सा डर है? डर इसलिए है कि मैंने विवाह के पहले हम भाग के ब्याह किए थे, आपको पता होना चाहिए। तो हमें नहीं पता है, पत्नी को था कि मियां चार को ब्याह करता है, हम बोले कि तोरा हिसाब से कर, वो कर लिए ब्याह, वो बोली कि बाल बच्चा का नाम अपने हिसाब से रखेंगे, उसी हिसाब से रख दिए। तो फिर पत्नी बोली कि वो गाना सुनाइए, तो हम गाना सुने, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पति से हर वो इंसान जो शरीफ होगा, दारूबाज नहीं होगा, जुआखोर नहीं होगा, आपको अय्यास नहीं होगा, उसे पत्नी से डर लगता है, तो समझिए को निश्चित रूप से उसमें पुरुषोत्तम श्री राम का कुछ ना कुछ अंश है। लेकिन मेरा कहना है कि गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता पति और भाई वो डिफेंस में है, वे हमारे पास मुन्ना के पास 11 रुपया में आते हैं, अब तो 101 रुपया हो गया है, वो पढ़ते हैं। पैसा हो तो भी पढ़ो, नहीं हो तो भी पढ़ो, एकदम नहीं तो नौकरी के बाद दे देना, एकदम नहीं देना चाहते तो लेके भाग जाना, लेकिन पढ़ के भी कलम 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 छोड़ के दूसरी कोई चारा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, बहुत हुआ धर्म 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 धर्म, बहुत हुआ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, बहुत हुआ गाय घोड़ा, बहुत हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी मियांटिया, अब होना चाहिए कलम 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 कलम, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए